अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके और सब कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे मटर गोश की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे लैम का मीट, आप चाहे तो मटन का मीट भी ले सकते हैं। इसे हम इसी तरह से कुकिंग पॉट में शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम गोश्त में शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज स्लाइस की हुई, ग्राइंड किया हुआ लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून, ये भी हम गोश्त में शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 अदद लौंगे और 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, इन्हें भी हम गोश्त में इस तरह से शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे हसबे ज़ायका, 2 अदद टमाटरों को हमने इस तरह से 2 टुकड़ों में काट लिया है, इसे हम इसी तरह से शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि जो इसमें गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और बस ये तमाम चीज़ें हमने गोश्त में शामिल कर दी हैं और अब हम गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें फिर चेक कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे और जो गोश्त में पानी था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है और गोश्त भी इसमें अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, आप अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल को ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और साथ में हम शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून सूखा सफ़ेद धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले हम गोश्त में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गोश्त की अच्छी सी भुनाई करते जाएंगे इन तमाम मसालों के साथ। गोश्त को भूनते भूनते मसालों के साथ हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं, गोश्त अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश मटर के दाने तकरीबन 1 कप, इन्हें हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ, अच्छी सी इनकी भुनाई करते जाएंगे। 1 टीस्पून ड्राई सूखी मेथी मटर गोश्त में शामिल कर देंगे, इसे भी हम डालकर अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इससे जो फ्लेवर है, जो खुशबू आएगी वो बहुत ही कमाल की आएगी। और साथ हम शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, मिर्चों को आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस मटर गोश्त यहाँ पर हमने अच्छा सा भून लिया है और इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी आप उतना डालेगा जितनी आपको इसमें ग्रेवी चाहिए और मटर भी इसमें अच्छे से गल जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालकर और अब हम इसे कवर करके पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलें फिर चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबूएं आ रही हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, इसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हमने यहाँ पर स्लो किया हुआ है। इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, ज़बरदस्त सा मटर गोश बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी चेक करें आप, एकदम स्मूथ बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, ज़बरदस्त सा मटर गोश बनकर तैयार है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिए। अपना रखिएगा आप बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।